देखिए सरदार साहब, ये जो चीजें हैं ये तो इंतहाई इकदाम हैं और ये भी वक्त आने के ऊपर आस्ते आस्ते जब ये तहरीक जोर पकड़ेगी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, ये सारी बातें जेरे गौर हैं। लेकिन अभी ये पहली एक या दो मीटिंग में तो ये फैसले नहीं होंगे और न होने चाहिए। जाहिर है ये जब तहरीक कोई भी तहरीक हो, जब वो अपने उरूज पे होती है, जब उसमें एक गर्मी पैदा होती है, तो उस वक्त इस तरह के फैसले होते हैं। अभी तो जो जो फैसले हुए हैं उन पे जाहिर है बात हुई है। मियां रशीद साहब की जो उसके ऊपर उनके अपने ख्याल का इजहार उन्होंने किया पार्टी के लिए लाइन, पार्टी के लिए डायरेक्शन, तो ये सारी जो है चीजें जो है आज की मीटिंग में हुई है। आज की जो हिम्मत अमली है उस पर गुफ्तगू हुई है और वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये चीजें सारी आगे बढ़ेंगी। नहीं तो आप आपको शोर्टी यकीन है कि ये सारे लोग एक सफ में खड़े होंगे जो अपोजिशन के जिन्होंने एपीसी बुलाई? देखिए अपोजिशन के लोग जाहिर है जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनी है, हमारे जो वजूद में आई है, वो तमाम अपोजिशन के जमातों के जो लीडर्स हैं उनकी मुशावरत से और मर्जी से वो आई है। और आप ये कहें कि उसके बगैर तो जाहिर है मुमकिन ही नहीं है कि इसका ऐलान होता, ये उसके वो सारे जो हदोखाल हैं वो इस तरह हुए हैं, वो सब आपके सामने है। तो जाहिर है जब उन्होंने मिलकर ये फैसले किए हैं तो रुकेंगे, एक अच्छे जाहिर है अच्छे भी रुकेंगे और बात को मिलकर आगे बढ़ाएंगे।